हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं फिजिक्स अड्डा सुशील साहब। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की। मैंने इसके पहले के जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का, वो मैंने प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे की सीरीज़ में कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि दो चार्ज, चाहे प्लस हो, ठीक, ये या माइनस प्लस, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक। ये दो चार्ज क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो यार, ये अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो इनके बीच फोर्स लगेगा, तभी तो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। तो कूलॉम्स ने यही बताया कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अरे सिंपल सी बात है भाई, दो दो चार्ज इनके बीच फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज़ का कैलकुलेशन हम किससे करेंगे, कूलॉम्स लॉ से, ठीक। फोर्स तो लग रहा है, तो पक्की बात, तभी रिपेल कर रहे हैं, तभी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स कितना लग रहा है, ये हम कूलॉम्स लॉ से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो कि ये दो चार्ज हैं आपके पास, ठीक, एक है Q1 और एक है Q2, ठीक। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के लिए इसको अभी फिलहाल पॉजिटिव मान सकते हैं, तो रिपल्सन होगा, या प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक। देखो, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो कूलॉम्स लॉ कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स ने ये बताया, कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जो इनके बीच फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जितने ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, रेस्ट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट, या प्रोडक्ट ऑफ देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स। सीधी सी बात यह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है, ठीक, ये ज़्यादा ज़्यादा होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। पहली बात तो उन्होंने ये बताई, दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब यार क्या है कि अगर डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो इनके बीच फोर्स कम हो जाएगा, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो या फिर अट्रैक्शन फोर्स हो, किसी तरह का भी फोर्स हो, दो ही तरह के फोर्स होते हैं, या तो अट्रैक्ट करेगा रिपल करेगा, लेकिन ये फोर्स डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाएगा। पास पास रखे होंगे फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर हो जाएंगे फोर्स कम हो जाएगा, ये दूसरी बात कहती है, ठीक। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो ये फोर्स लगता है, ठीक, ये उन दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है, ठीक, फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये बात इन्होंने बताई। चलिए, कूलम्स लॉ अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे भाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स एफ, फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो आप स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ठीक है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, ऐसे ही सिमेट्री लिखा हुआ, तो इसलिए मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, आप समझ गए, ठीक है, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। अब इसको आप मिला दीजिए तो ये आपका क्या बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 / r², ठीक है। ये हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 / r², वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε₀, ठीक। K की वैल्यू कितनी होती है, 4πε₀, और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹, ठीक। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हमारा फार्मूला आ गया। अगर देखें तो हमारा फाइनली फार्मूला क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ Q1 Q2 / r², ठीक। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्हेन मीडियम इज एयर और वैक्यूम, ठीक, जब इन दोनों के बीच मीडियम एयर और वैक्यूम होगा तो ये इतना आएगा। अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर हमारा ये जो k है ये हो जाएगा 1/4πε₀, ठीक, और यहाँ पे एक k एक्स्ट्रा बढ़ेगा, 1/4πε₀ k
ठीक, Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है बेटा, तो ये ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम एयर और वैक्यूम के बीच सॉल्व करनी होगी। अगर मान लो कोई अलग और दूसरा मीडियम आता है तो हम यहाँ पे K रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, कि 1/4π0 या आप कह सकते हैं F=9×10^9 Q1 Q2/R2। अब ध्यान से देखो यार यहाँ पर, ठीक, फोर्स हो गया, मतलब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। अब इसमें देखो, अगर मान लो न्यूमेरिकल आता सपोज कर लो, तो फिजिकल क्वांटिटी में कितनी है, फोर्स, ठीक, चार्ज 1, चार्ज 2 और यहाँ पे डिस्टेंस। कितनी चीज़ों की बात हो रही है, चार चीज़ों की बात हो रही है, 1, 2, 3, 4। अब चार में कोई आपकी 3 गिवन होंगी, 3 दी रहेंगी और चौथी आपको निकालनी रहेगी, ठीक, फोर्थ वाली आपको फाइंड करनी रहेगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकता है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ पे क्या हो सकता है, जैसे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। अब आपने देख लिया, पूरा कूलम्स लॉ पढ़ लिया, ठीक, बता भी दिया मैंने कि कूलम्स लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, दो चार्जेस का बीच फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, डिपेंड करता है उन दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पर डायरेक्टली, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने इसको हटा दिया यार, तो ये हट गया, मिलके इतना आ गया, अपॉन में था तो अपॉन में आ गया, ये हटा तो कांस्टेंट आया, जिसकी वैल्यू होती है 1/4π0, और इसकी फिर से वैल्यू जाती है 9×10^9। तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लें, F=9×10^9 Q1 Q2/R2, इनके बीच मीडियम एयर और वैक्यूम है। जब कुछ दूसरा कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे बढ़ा देंगे डिनोमीटर में। क्लियर है, चलो। देखो बच्चों, बोर्ड में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ε0 की डायमेंशन हमें बतानी है, ठीक, तो इसको भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं। देखो, अभी अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, 1/4π0 Q1 Q2/R2। हमें इसमें इसकी डायमेंशन चाहिए, क्लियर बेटा, ओके। फोर्स है, ये चार्जेस हैं, ये r हमारी डिस्टेंस है। ε0 को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो हमें केवल ε0 चाहिए, तो हम इसको यहाँ उठा ले जाएंगे, सिंपल सी बात, जिसकी डायमेंशन निकालनी उसको यहाँ ले आओ। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/4π f को यहाँ आना पड़ेगा, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ आना पड़ेगा इसको, ठीक, Q1 Q2/R2, ठीक है बेटा। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक, डायमेंशन ऑफ ε0, इसकी तो कोई डायमेंशन क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक, ओके। 1/4 की डायमेंशन आपको अब तक रट गई होगी, क्योंकि बहुत कॉमन, हमने बहुत बार निकाला है और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, क्यों, क्योंकि I = होता है Q/T, ठीक, तो Q = यहाँ से IT बनेगा, I करंट है, A टाइम T, ठीक, तो इसकी Q की 80 आ गई, दो बार लिखेंगे 80 80, और यहाँ पे L², तो बस इसकी डायमेंशन आप निकाल दो, कितना हो जाएगा, M को ऊपर ले चलो इनवर्स, L पे 3, तो ऊपर ले गए -3। अब T पे देखो, ऑलरेडी 2 ऊपर है, ये 2 माइनस को ऊपर 4 हो जाएगा, और A, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। ये भी बहुत बहुत पूछा जाता है, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।